नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पैन कार्ड को यानी कि आधार कार्ड से लिंक किए थे, लिंक हुआ है या नहीं पता करना सीखे। आपको मैं बता दें कि आपका अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड लिंक नहीं है या लिंक करवाए भी हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर एंड तक देखते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, अपना सबसे पहले आप चेक कीजिए, उसके बाद आप दूसरों का भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे, अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आके आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ आगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गया, जैसे ही आ जाना है अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम या कोई भी लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी आप सर्च करेंगे, क्या गूगल में जाएंगे, जाने के बाद आपको सर्च करना इनकम टैक्स या ई फिलिंग, जो भी सर्च करेंगे, ई फिलिंग भी सर्च करेंगे तो चलेगा या इनकम टैक्स करेंगे तो वही आएगा वेबसाइट। तो इनकम टैक्स पर सर्च करने के बाद आपका इस तरह का ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरह का ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, लोडिंग होगा, लोडिंग एक नया पेज आएगा, जैसे कि पेज आ चुका है। पेज आने के बाद एक लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद अब आपको यानी कि थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अगर आपका नेट अगर बहुत ही फास्ट चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो आपका थोड़ा सा लोडिंग लेना आपको, यानी कि बैक नहीं करना। आप कहेंगे तो नहीं चलता था, हटाओ बैक कर दो, नहीं बैक नहीं करना आपको, यानी कि आराम से धीरे से यानी कि आपको देखना है, वेट करना। वेट करने के बाद आप पैन कार्ड नंबर आपके पास होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दोनों को डाल करके आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा वैलिडेट का, उस पर क्लिक करना। जैसे कि मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल दिया। डालने के बाद अब आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, दिख रहा है ना, रेड लाइन से घिरा हो, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंकेड बाय आधार, दिख रहा है ना। तो आपका यानी कि चार अंक का लास्ट का डिजिट दिखाई देगा और आधार नंबर का भी दिखाई देगा, तो यानी कि आपका ऑलरेडी लिंक है। इस तरह का आप यानी कि किसी का भी चेक कर सकते हैं, किसी भी घर का, किसी भी सदस्य का, अपना सबसे पहले चेक कीजिए, उसके बाद दूसरे का भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। इसको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना आप सीख गए हैं, इस तरह का पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।